राम राम सा न्यून प्रणाम जय श्री कृष्णा। राव जी फिल्म स्टूडियो माते आप सभी श्रोताओं घना मानसु हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों ने आप बात सुना वाला के रोज आप सुनो जो के सेठ जी अमीर या करे, आज एक गरीब सेठ जी बात सुनावा। आप बात आप लोगों ने किकर लागे कमेंट कर बता जो, अच्छी लागे तो इन वीडियो लाइक कर जो। आप खूब लोग बाता सुनो पर वीडियो लाइक कम करो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कर जो और आगे भी शेयर कर जो। आप बात हमें आपा करा शुरू ध्यान लगा सुनो सा। एक कोई गाँव रे में एक गरीब परिवार रहो तो सेठ सेठन, लेकिन कही कहवे के सेठ वे तो गरीब क्यों वे? कहीं है कि एक समय तो वे सेठ आ, लेकिन कोई कारणवश समस्या आएगी, उन कारण वे गरीब होगा। अब परिस्थिति ऐडी ही के सेठ जी ने गरीब कर दिया। अब सेठ जी पैसों गरीब होता होता मनु ही गरीब हो गया। कहवे है आदमी रखने रुपया बल्ली कितना ही हो, लेकिन वो मनु गरीब है तो वो गरीब ही रही, पैसा कोई वक्त नहीं रखे। लेकिन मनु अमीर है और पया बल्ली खने थोड़ा ही हो तो ही वो अमीर ही वे। अब सेठ जी बहुत गरीब हो गया, मनु ही हार हो गया, शरीर में ही अड़सावण और उगो। सेठ जी हपे कदी भोजन नहीं करता, सेठानी भोजन परोसती जना भोजन करता। खैर अड़ तक तो ठीक बात ही, छिनान री बाल्टी ही झिकी हपे बरीस भरी और हिनाण नहीं करीस तो सेठानी बाल्टी भर देती तो छिनान करता। पुर्त की ठीक बात है की कोनी, घड़ी दो घड़ी वास्ते सेठानी बाहर जाओती तो सेठ जी ने प्यास लाग दी तो आपे ओटन पानी नहीं पीस दो, प्यासा ही उतर रह जाता। सेठानी घर आती तो कहता के इतनी जेत बाजे क्यों गी, पानी लोटो लेना मार पानी पीनो है। सेठ जी इतना आलसिया और सेठानी मान लो कदी पीर जाती रहती, चार दिन पांच दिन पीर रहती जिते सेठ जी नान नहीं करता। सेठ जी रे कपड़ा मैलू भरीज गा और शरीर माथे गाडो गाडो आनी मैल लियोड़ाई फिरता, इतना आलसिया सेठ जी। सेठानी मन में विचार करियो, गाँव रे मई हर स्त्री आपरे पति रे माथे गर्व करे के मारा पति देव इतनी कमाई करे, इतना अच्छा है हर चीज, मतलब गहनो गांटो घर में ही आराम रे हाथ रहे। लेकिन देखो मारा केड़ा किस्मत, सेठ जी मिनकार दृष्टि मई तो बड़ा धनवान आ, मारा फेर ने तो की नहीं है। पड़ोसियार लुगोई रे तो हाथा गड़ार में हार, हाथा में हथफूल, माता रमाई रकड़ी और होड़ा ही हिणगार करियोड़ी फिरे, एकदम पीली पटगी और मारे फेर ने तो तांतड़ो ही नहीं। अब सेठ जी ने एक दो बार कियो, सेठ जी ने कियो के मारा हाथणिया हैंगर है जी को हार हथपूल रकड़िया हर चीज गहनो फेरने और मारे जी को हाथ में बिंटी कोनी। सेठ जी ने एक दो बार कियो के सेठ जी हैंग मारे हाथड़िया वगैरह देखो अच्छा अच्छा हार अंगूठिया हथफूल रकड़िया हर चीज होनो गहनो फेरे तो एकादी नग मारी लोकनी। अब सेठ जी बहुत बड़ा आलसी और खन्ने रुपये नहीं, अब धंधो नहीं करे तो रुपया बाप रहे नहीं, तो आप जानो बिना पया गहनो गाटो की जगह लवे, गहनो गाटो लेन जावा
तो पया लागी, तो पया सेठ जी के ना कोनी। अब सेठ जी आ सेठाणी री मांग पूरी किकर कर सके बिना पया। अब सेठाणी कहती री और सेठ जी सुनता रिया, इन कानू हुणे और बिन कानू काट दे। कदी बात हौल मन लगान हुणी नी और ध्यान नहीं करियो कि सेठाणी कही कहवे। एक दिन सेठ सेठाणी बैठा और सेठाणी खरान कियो, मारे एक हाथरी कोई बिंटी लेओ कि नहीं लेओ मनारी चांदी री। के गैली है तू बिंटी, बिंटी पूरी एक तोड़ा री वे तोड़ा रा। आज तो देखो अपारे भाव है 8,000 रुपये तोड़ा रा, पहला टेम रा थोड़ा कम ही हला। सेठ जी कियो 60,000 रुपया तोड़ा रहा है, तो 60,000 रो महीना रो दो रो मितु ब्याज वे 1,200 रुपया ब्याज वे, दो महीना रो 2,400 रुपया, चार महीना रो 4,800 रुपया, तो 12 महीना रो ब्याज कितो वे थने ठा है कि नहीं। 3 सालों रुपया सीधा डबल हो जावे। और तू तोड़ा री पिंटी री बात करे और क्यों घर बैठी चोरा नुणावे बाड़ कांटो होने खने, घरे मई चोर मारे गाल दे रस्तो गाल दे, बिंटी चक्कर मई दूजो की गहणो गांटो कमावा, आप बार नाम नहीं लेनो होने गणो कुण फेरे। अब देखो सेठ जी जगह सेठन ही जावे, कोई नहीं सेठ जी आप नहीं ले वो तो आपने मैं गणों का ही कहूँ, आप रे धके अरदास कर सकूँ आप नहीं ले वो तो बहुत बढ़िया बात है। अब्बा सेठाणी बहुत ही बड़ी होशियारी, एक दिन मन में विचार करियो कोई न कोई अड़ी स्कीम करो के सेठ जी मजबूर हो जावे, के गणों ले उन्हें पैसा तो कम है पर पया तो कमाई कमाई जनो आड़स दूर हो जाए, दिन भर माचा तोड़े नींद लेवे उबया खावे आंकियार में पानी आवे, सेटारे और महात्मा भला मैंने कियो है कही, नींद आड़स ने उबई 3 है भोकरा भाई, ज़्यादा नींद लेनी ज़्यादा आलसी राखनो ज़्यादा उबया आवनी ए भोकरा हेलाने। अब सेठाणी ने ठा ही के केन की स्कीम करा तो अपारा पतिदेव है जी को कि धंधे लाग जाए, गणो तो गणा ठाणे है पर कि पया नहीं कमाओ तो अपरिया संतान है इन्हें कई खाड़ा। लोग तो सेठ सेठ के और मोटा बनाड़ रखे है न, घरे माई तो हिदो ही मुश्किल बने आ किकर करा। अब्बा सेठाणी कई करियो, एक दिन आपरे पड़ोसन कने बाता करती करती कियो के आधार आतरे मई बिंटी है जी की आ कितना तोड़ा रही है, बाकी आ एक तोड़ा रही है तो आ थारे कौन करे कियो करे मारे पति देव, तो आ बहुत बढ़िया है थारा अंगूठी और कई दिन मन देवे कर मैं शौक ले लूँ, तो पढ़ सुन दे क्योंकि सेठाणी है और मांग ली तो 2-4 दिन आई फेरी पचा पर अंगोटी जी को पची दे दई। अब्बा होनारी एक तोड़ा री अंगोटी अब उन पड़ोसन सेठाणी रे हाथरे में फेराई दी। सेठाणी ने कियो कि अब कई दिन थे फेरो, मैं तो रोज फेराई जा, थोड़ा दिन थे ही फेर लो और बाद रे मई मनमारी फच दे दीजो, राजी खुशी बा दे दी अंगूठी। अब्बा अंगूठी सेठाणी घर ले नई और आप पति देव सेठ जी ने हेलो करियो के अटाओ कनियो रोटी जीम लो। सेठ जी आया थाली रे मई रोटी जीमन रुका और रोटी जीमता जीमता
हाथरे माते नजर पड़ी, क्या थारा हाथरे मई पीली पीली कहीं चमके, क्या मारा हाथ में तो आ तो अंगूठी है, अर्थ हुआ अंगूठी लाई कटू, आ मैं तो करे तो कोनी पड़ोसी उठू लाई, पड़ोसों ना बिंटी मने हाथरे मई फेरने वास्ते दी, और आ मैं आपने तो न आई हूं के एडी रेडी मारी करावनी। अब सेठ जी रो क्रोध गुस्सो भड़को, सेठ जी के तनठान नहीं पड़े, मिनकर चीज तू लेन आएगी, हपारे घर में मिनकर चीज नहीं लावनी, आ चीज फच देना, अर कल गमा दी तो पया किजक भरा, मारती थी पहुंची कोनी, नहीं करवनारी है ना गमजाई, या कटी बागी टूटी तो भरनो फाचो माऊ नहीं वेला, थू कर आ फाच देना जा। सेठ जी ने कियो, दो तीन दिन में ध्यान राख दे और आ बिंट नहीं गमंदू, फच में फच पुगाई दे और मैं थोड़ी राखू है मिन कर बिंटिया, मारे तो आप हो भगवान, मारे पति देव हो परमेश्वर हो, आप मारे कराओ जना मैं फेरू, मिन कर तो मैं आपने बतौनारू लई कल फज पुगा दे। अब्बा सेठाणी उन दिन तो पहुंचा ही कोनी, दूसरो दिन हुयो, अब्बा सेठाणी आंगणार में सुती है, सेठ जी बारे गवाड़ी में होता, रात्रा 12 बजियों पचे सबा ने गहरी नींद आएगी और सेठ जी ने नींद आएगी, सेठ जी ने नींद रात थोड़ी होले आवती, दिन भर होता रहता बने रात नींद तो होले ही आवे, 12 बजी है और पचे सेठ जी ने थोड़ी झपकी आई है, सेठाणी जोर उडाडी, सेठाणी जोर जोर हका करिया के चोर चोर चोर, आवाज आई, सेठ जी उठिया और दौड़िया आंगणार मई, क्यों कटे कटे के मैं तो खाली सिया देखी, रसोई घर में देखो देखानी, अब चानणो कटे, पति लगाई मई घासलेट कोट पुरान, मई देखे न चोर तो है कोनी, क्यों मकान रे माते छड़ियो हला, मकान रे मात जान दे क्यों तो ही कोनी, आड़े पाड़े गांवरा 10-15 लोग दौड़ना आएगा, रात बिरत कोई काम पड़ जा तो अड़ोसी पड़ोसी ज काम आवे, बे हगड़ा दौड़न बुट आया, आन देखे तो बुट कोई चोर नहीं, सेठ जी पूछियो, सेठ जी कहीं हो आको क्यों करो रात्रा, क्यों मार घरे चोर आएगो, अरे लेगो तो कहीं नहीं, जितने एक सेठाणी बोली के मारा हाथरे में अंगूठी लेगा, अरे अंगूठी कट गमई, सेठ जी एक हाथ खाडो पड़ियो कालजार मई, अंगूठी गमा दी के अंगूठी तो चोर ला चोर लेगा, मैं कहीं करूँ, अबे मैं, सेठ जी अबे अटीने उठीन देखे और अंगूठी हो दे, नी अंगूठी ला दी नी चोरा पग मिलिया, घंटा दो घंटा फिरिया, अब प्रभात हूं दुखी, अब अड़ोसी पड़ोसी गांवरा होशियार मिनखा पंछा कोई, बह क्यों सेठ जी चोर है तो चोरी कदी अनजान मिनख नहीं करे, एकदम अनजान आदमी है गए कदी चोरी नहीं करे, उन कोई घरों पतो ही नहीं वे, घरों भेद हुई तो ही चोरी हुई, के फलाना घर में जावा तो लेवा कहीं आपा, चोरी कदी कोई करी तो जान भेदू करी, बिने थोड़ो बहुत ध्यान वे वही चोरी कर सके, बाकी चोरी कुणी नहीं कर सके, लोग तो आ कैपरा और गेपरा, और सेठाणी के मारे घर में दूजो की नहीं लेगो, पेटिया जी को आगे जगह पड़ी और तिजोरिया ताला है बे एजू पड़िया ली, और
मारी अंगूठी ज की कर लेगो। अब मैं करूँ तू ही करूँ कोई, सेठ जी होच करे सेठानी होच करे, अब सेठ हका करे सेठानी ने, मैं थने काला मना करी पीरू मना करी रोज मना करूँ, अंगूठी मिनकर ली तू बा तू फाची भुगाई दे, तू बा अंगूठी फाची भुगई कोनी, हमें थारा बाप चोर लेन गीपरा, अबे बैठ अंगूठी देवा कटवा पा, देखो तो खरी। अब देखो पड़ोसी बुटे दिन राया, क्यों सेठ जी मारी अंगूठी, के अंगूठी तो चोर लेन गीपरा, सेठ जी ने क्यों देखो भाई अंगूठी चोर लेन गीपरा, आप मारी फांसी दे सको गई। अब सेठ जी मोड़ा मोड़ा बैठा, पड़ोसी बहुत होशियार मिनख हो, सेठ जी तुम अंगूठी नहीं दीजे तो अंगूठी मैं कोई ऊंचा आवा नहीं, थे कोई नीचा जाओ को नहीं, चोर लेगा तो लेगा कई करा। आ बात करी और सेठा ने आ तो बात होगी किसान आली, मारे माते जिंदगी भरो बाहर है, कदी ऊंचा ऊपरा और आपा बोल नहीं सका, बोल गया तो ही कहीं बोल बोल बैठ रहो, थे तुम्हारा दयारा पात्र हो। आ बात करी सेठ जी की, देखो मैं सेठ हूँ, मार्ग ने मारो पदरो गोरु है, ओ मैं अपमान नहीं करनी चाहूँ, आपकी अंगूठी है जिको मैं दे दूँ, पर थोड़ो वक्त लागी, थोड़े थोड़ी बत्ती कराऊँ, कोई बात रो टेंशन नहीं करनो, बढ़िया कराऊँ पर थोड़ो टाइम दो। पड़ोसी क्यों सेठ जी कोई बात नहीं, जाती घणी करा पर ते देवनी चाहो तो मारी तो अंगूठी है, मैं लेवने घणी राजी हाँ, मारा रुपया लागोड़ा है दौरा घना कमाए रुपया। अब सेठ जी सेठाणी ने हका करे, हका करता करता कियो के सेठाणी अब मैं कमाऊं जाऊं, के पड़ोसी रंगोटी तो लान देनी पड़ी। सेठाणी मन में होचे रहे मैं करोणो कियो जना तो कोई सुनवाई कौन करी, अबे मिनकर अंगूठी गमी और अब कहवे के करावनी पड़ी, कोई बात नहीं मिनकारी भरनी तो पड़ी, कमावनो तो है कि। अब सेठ जी बाहर गया, सेठ जी इन बात रो था ही नहीं पड़े, दिन कहीं है और रात कहीं है, अबे सेठ जी रात और दिन खपे, आप रो व्यापार बढ़ो ने खपे और अच्छो बिजनेस शुरू करियो। यूं करता करता सेठारी कर्मारी रेख पाची जागी। अब सेठारे बहुत ही अच्छो धंधो शुरू हो गयो है। अब दो एक महीना या और सेठ जी हवा तोड़ारी पिंटी कर रही है, एक पार्सल गिफ्ट कागज रे मई पैक कर परा, साम्र समय रे मई वो गिफ्ट है जी को आप पत्नी रात में ले जान दियो है, आ पारे पड़ोसी अंगूठी है आ जान फाच दिया, और आइंदों अड़ो काम कदी जिंदगी में मत कर दे। अब बा सेठाणी बा पूड़ी खोली, अब बिन में अंगूठी सवा तोड़ों ज्यादा, और सेठाणी क्यों सेठ जी आ मारो वास्ते लाया गई, के नहीं नहीं थार वास्ते को लाया नहीं, क्या पड़ोसेरी गमई बा अंगूठी है। सेठाणी क्यों के मैं थोड़ा इतना नौरा करिया और मने पिंटी नहीं दे रही, और पड़ोसिया वास्ते थे आ पिंटी लाया, बा गमते ही थे नहीं लेना आएगा, हवा तोड़ारी हवाई करन आ पिंटी है जी को आ तुम्हारे है, पड़ोसी रंगूठी तो मार्गन पड़ी है, बा अगीत फाची दे दो। सेठ जी के कई बात करे बात तो चोरी होगी नहीं, नहीं सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलूं,
उन दिन झूठ बोलना मारे बहुत जरूरी हो। आज झूठ नहीं बोलूँ मैं, आप रे हमें हची हची बात है जी की मैं थाने बताऊँ। बांगूटी बांगूटी तो गरीज ही बातों में एक बहुत ही बड़ी चालाकी करी कि थे बहुत बड़ा आलसी हो गया, थे कोई धंधो करो नहीं, काम करो नहीं, काज नहीं करो, हापे उठन थे पानी नहीं पियो, इतना बड़ा थे आलसी हो गया। इन वास्ते मैं मजबूर हुपरी और एडो काम करनो पड़ियो। आ पड़ोसी रंगोटी आ मारकने पड़ी है, थे को तो मैं पुगा ना नहीं जन थे जाओ जन थे पुगे आगे रह गए। आ अंगूठी तो मैं हमारा हाथ में ही गालू कितनी फूट रही दीवे बहुत जोरदार, पड़ोसन रे तोड़ारी और मारे हवा तोड़ारी। अब सेठ जी कह थे मारे में धोखो करियो कह की कर के इन अंगूठी वास्ते में दिन और रात एक कर दिया के मारे शरीर रा इन चमड़ी रा पगड़िया कर दे तो ही तो दुख नहीं होता, इतो दुख देख और आप बेंटी कर रही हूँ। सेठानी कहो देखो पति देव के दोरा या बिना तो हरा वहाँ को नहीं, आप रे पिताजी कमाइड़ो धन गणी हो जना आप सेठ बाज गया, लेकिन दूजा रहा तो धन कमाइड़ो जिको तो खत्म हो गयो, थे तो एकदम गरीब हो गया। लोग थाने सेठ सेठ कहता पर सेठ आली आपकने चीज नहीं और थानकने दलमाल तो की हो ही को नहीं, आज थोरकने कोई चीज की कमी नहीं है, धन गणी है, संपत्ति गणी है और लोगर में ही थोड़ी गुडविल है जिको अच्छी है, थे व्यापार अरु कर दियो। इन वास्ते मैं कोई गलती करी हूँ तो थे मने सजा दे सको और मैं मार वास्ते हवल करियो और हवली जियो, आप यूं करो आप पड़ोस रंगूटिया जी की थे पहुँचाना हो रहा। अब सेठ जी गया पड़ोसी रंगूटी पुगई और पड़ोसन के लादगी चोरी पकड़ी गो हैं लादगी, क्यों चोर के चोर हो जटी मैं पकड़ना आप रंगूटिया जी की फाच लिए। अब पड़ोसी रंगूटी फाच जमा कराई दी और सेठ जी घर आया। सेठ जी आपकी सेठानी ने धन्यवाद दियो, है सेठानी थे हमारी जिंदगी रे मई बहुत ही अच्छी खुशियां भर दी, दुख की करपरा और थे मन सुखी कर दिया और मैं पूरी तरह हजारों बीमारियों ग्रस्त हो, कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लागू हुई लेकिन नी जाने मारी बे बीमारियां कटी नहीं गई, मने सुता सुता ने री आवती क्रोध आवतो और वो गुस्सो क्रोध सब कर नहीं गयो। अब मारकने बहुत ही अच्छो धंधो है और बहुत ही बढ़िया मैं धंधो करूँ, इन वास्ते मैं थार एक बिंटी कोनी थार गला रो हार कराऊँ, थोड़ा दिन ठहर। एक महीनो बाद रे मई सेठ जी उन सेठानी रे गला रो हार करो 900 रो 9 लाख रुपया रो। अब बा सेठानी उन हार ने फेर परी और बहुत ही बड़ी राजी हुई है। सेठानी सेठ जी ने कहो सेठ जी बहुत ही बढ़िया और अपारो घर है जी को बहुत ही अच्छी तरह बाले और थे धंधे लगा और मारे मन में बहुत ही बड़ी खुशी हुई और अब आनंद रहते रह ढुका खाया पिया और राज करिया। आप बात आप लोगों ने कि लागी कमेंट कर बता जो और आप लोग की जगहों बात सुन लिया हो वो भी कमेंट में बता दीजो और इन वीडियो लाइक कर दीजो और इन पहला ली बात रे मई जिका कमेंट आया वे आपने मैं पढ़न सुनू। पूना राम जी लिखियो है के बहुत ही सुंदर बात करी, राव जी आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, आपकी हर बात सुनता हूँ,
मेरा गांव रामसर बाड़मेर है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम राम जी ने बिन बाजरे मई कैलाश जी राव जी लिख्यो है शानदार राव साहब। रुपेश जी लिख्यो है मैंने चौधरी वाली दोनों भाग देखे, बहुत ही बढ़िया राव जी। मैं बाड़ेसर जोधपुर से ये वीडियो देख रहा हूँ, तो आप सभा ने दर्शका ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज आप बात देखो, कई दर्शका ने मैं आप कहनी चाहूँ कि आप लोग खूब बात सुन रहा हो, तो वीडियो ने आप लोग लाइक जरूर कर दो और कमेंट कर बताओ कि आपने वीडियो किकर लागे और कैडी बात आप सुननी चाहो। राम राम सा, धन्यवाद।